पूर्वी लद्दाख का गलवान घाटी इलाका, वो जगह जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15-16 जून की दरमियानी रात खूनी संघर्ष हुआ। ये वो इलाका है जिसे लेकर पहले कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये इलाका हमेशा से ही भारत के नियंत्रण में रहा है। भारत की सेना यहां नियमित रूप से पेट्रोलिंग भी करती रही है। 1962 के बाद से इस इलाके को लेकर कभी कोई विवाद, कोई संघर्ष या चीन के साथ आमने सामने जैसे हालात नहीं बने। चीन ने पहले कभी इस इलाके पर अपने दावे को लेकर ऐसी आक्रामकता नहीं दिखाई। तो सवाल ये है कि फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये इलाका चीन के लिए इतना अहम हो गया? आइए आपको समझाते हैं। पहले तो जान लें कि इसे गलवान घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गलवान नदी से सटा हुआ इलाका है और सामरिक तौर पर ये भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। भारत इसी इलाके में दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क यानी DSBDO का निर्माण कर रहा है। 255 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण इस साल के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस सड़क के तैयार होने पर सुरक्षा बलों को लेह से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने में 6 घंटे का समय कम लगेगा। ये सड़क उस गलवान इलाके को भी छुएगी जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। चीन इसी बात से बौखलाया हुआ है। आप समझिए कि चीन की मंशा क्या है। दरअसल चीन गलवान घाटी इलाके पर कब्जा इसलिए चाहता है ताकि अगर भविष्य में दोनों देशों के बीच कभी युद्ध के हालात बने तो वो श्योक नदी और साथ ही भारत की दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क पर ऊंचाई से सीधी नजर रख सके। युद्ध के हालात में चीन यहां से भारत की इस सड़क पर सीधी गोलीबारी या बमबारी कर सकता है। इसे आप करगिल से तुलना करके भी समझ सकते हैं जहां पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ी पर कब्जा करके बैठ गए थे। इसके अलावा चीन को ये डर भी सता रहा है कि अगर गलवान घाटी में भारत की स्थिति मजबूत होती है तो इससे अक्साई चिन इलाके में बनी चीन की सड़क पर भी दबाव बढ़ेगा, चीन की पोजीशन कमजोर होगी। भारत भी इस सामरिक महत्व को समझते हुए इस इलाके में लगातार अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है, साथ ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार स्ट्रांग बनाने में जुटा हुआ है। वहीं अब चीन इस इलाके को हथियाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। यही वजह है कि पीछे हटने की सहमति बनने के बावजूद उसने गलवान घाटी इलाके में भारत को धोखा दिया, जिसमें एक कर्नल सहित भारत के 23 जवान शहीद हो गए। वहीं संघर्ष में चीन के 40 सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।